अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं यूनिवर्सिटी रोड अपोजिट गुल हाजी प्लाज़ा पिशावर। यहाँ पे आपको हम मॉनिटर और एलसीडी दिखाएंगे। जो लाट में आती है वो कंटेनर का माल है, होगा ये अमेरिकन। रेट भी पूछेंगे, साइज़ भी पूछेंगे, और ये ले के कहाँ से आते हैं ये भी इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद वीडियो देखनी है। तो पहले मैं थोड़ा सा विज़िट कराता हूँ और उसके बाद यहाँ के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपने पूरी देखनी है और मेरे साथ रहना है। तो आए चलें, मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाता हूँ इस एलसीडी के बारे में और मॉनिटर के बारे में। तो आप मेरे साथ आएँ। जी साथियों, पहले मैं थोड़ा सा आपको विज़िट करा दूँ कि काफ़ी बड़ा गोदाम है यूनिवर्सिटी रोड गुल हाजी की बैक साइड पर। यह गोदाम है, एलसीडी लेनी है आपने, होगा ये अमेरिकन, लोकल कोई चीज़ नहीं होगी। और इनसे ये भी पूछेंगे कि ये ठीक किए हुए तो नहीं है, ख़राब को ठीक किए तो नहीं है। पहले मैं थोड़ा सा विज़िट करा दूँ आपको। एलसीडी भी है और सीपीयू भी है, छोटा साइज़ भी है और बड़े साइज़ भी हैं। ये देखिए, ज़रा वैरायटी मैं थोड़ी सी दिखा दूँ आपको, फिर मैं इनसे रेट पूछूँगा कि इनके रेट क्या हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, इस इज़्ज़त, जगह का प्रॉपर एड्रेस और इस गोदाम का मोबाइल नंबर बता दें सर। मेरा नाम इज़्ज़त ख़ान है और ये कास्मो कंप्यूटर वर्क्स पेशावर, गुलहाजी प्लाजे के पीछे बैक साइड पेशावर। पेशावर। और यहाँ का फ़ोन नंबर है 5850881-5850-891। इज़्ज़त भाई, ये बताएं कि आपके पास जो एलसीडी काफ़ी मकदार में हम देख रहे हैं, मेरा ख्याल कहता है कि पूरे पिशावर में सबसे बड़ा गोदाम यही है। बिल्कुल ठीक है, आप ये एलसीडी कहाँ से लेके आते हैं? आया ये लाट में है, कंटेनर माल है या कबाड़ के हैं सर? नहीं, ये अमेरिका से आते हैं और ये लाट का माल है और ओरिजिनल हालत में है, यूज्ड यूज है सर, कंटेनर इसको वाला हम माल, सेकंड हैंड कह सकते हैं। सेकंड हैंड है ये, ठीक हो गया। बिल्कुल इज़्ज़त भाई, कबाड़ नहीं है और सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड है। हाँ जी सर, इज़्ज़त भाई हमें ये बताएं कि कौन कौन सी वैरायटी आपके पास है और इसमें इंच के हिसाब से 17 इंच से लेके 32 इंच तक आती है, ठीक है और एलईडी है इसमें और एलसीडी है। सर, दिखा सकते हैं हमें कौन कौन सी जरा ये वैरायटी? आप देख लें, ये 17 इंच है, अच्छा, ये सर 17 इंच की सारी वैरायटी पड़ी हुई है, ये, ठीक है। और इसमें फिर सर जी 19 इंच, अच्छा फिर ये अच्छा सर, इधर से शुरू हो जाते हैं। ये एचबी का इसका क्या रेट है? और ये बीस इंच ठीक है, एलईडी 8500 में, 8500, 19 इंच उन्नीस एलईडी है, ठीक है, 8500। ठीक है सर। ये छोटा साइज, ये फिर एलसीडी में 7000 का मिलता है, 19 इंच, अच्छा 7000, उन्नीस इंच एलसीडी 7000, ये कौन सी कंपनी का है? एसर कंपनी का एसर है। कंपनी का, इसमें विवसॉनिक, अच्छा, एसर और डेल के डेल का और आता है, एचपी के, तीन चार किस्म के ठीक आते हो हैं। गया। ये सर आगे वाली, ये क्या चीज़ है? ये भी वही 19 इंच एलसीडी है, अच्छा, एलसीडी मिलता है 7000 का और एलईडी में फिर थोड़ा सा महंगा होता है। महंगा होता है। इसमें सर बड़े साइज भी आपके पास हैं? बड़े साइज में 11000, 22 इंच है, ये सर 22 इंच है, 11000 में, ये 11000 में, ये सारे एक ही साइज है? बिल्कुल एक ही साइज है। अच्छा, ये सारे एक ही साइज है। हाँ जी, ये कितने का कहा आपने? 11000। इसमें बड़े साइज भी हैं? बड़े साइज में 24 इंच है, चौदह हजार में है ये एलसीडी, 14000 में कौन सी कंपनी का? सैमसंग का, सैमसंग का है। और इसमें सर इसमें क्या फर्क होता है कि इसमें कोई खराब तो नहीं होता कि आप लाट उठा के? नहीं 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 अच्छा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ये रिपेयर भी नहीं करते हम, मार्केट वाले जो खराब एलसीडी आते हैं उसकी रिपेयर करते हैं, अच्छा, जो कस्टमर लाते हैं यहाँ पे हमारे वर्कशॉप है। अच्छा, वर्कशॉप भी आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। और ये इसमें डेल का सर? ये भी वही रेट है, ग्यारह क्या रेट है सर इसका? 11000, चौदह हज़ार, सॉरी हज़ार चौदह हज़ार ठीक हो गया। ये मुख्तलिफ वैरायटी आपके पास बिल्कुल सारी, और बिल्कुल। हाँ, इसमें बड़े साइज भी हमने देखा है, काफी बड़ा साइज है बड़े साइज में ये वाला 32000 में, ये 30 इंच है। अच्छा सर, इसमें बड़े साइज भी आपके पास हैं और उसका रेट क्या बताया आपने?
32,000। ये 32,000 रुपये का कितने इंच की है ये? 30 इंच। 30 इंच की है ये। हाँ जी, एचपी वाले। एचपी वाले काफी ज्यादा वैरायटी है। और पीछे जो पड़े हुए हैं सर, वो तो अभी चेक नहीं किए ना, वो तो अभी पड़े है ना, वो स्टॉक है अभी। ये स्टॉक है, अभी आपने चेक नहीं किया? चेक नहीं, अनचेक पड़े हैं ये, हम चेक करके और ओरिजिनल हालत में बेचते हैं। अच्छा, इसको अभी चेक करना है सारे माल को? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी छोटे साइज बड़े साइज है? छोटे, हाँ, उसी तरह के 17 इंच से लेके 32 इंच तक है। 17 इंच से लेके 32 इंच जी बिल्कुल। सर कैमरे वाले भी आते हैं आपके पास? बहुत कम आते हैं, कैमरे वाले नहीं आते। कैमरे वाले कम आते हैं? बिल्कुल कम आते हैं। हो गया। रेट तो काफ़ी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, किस किस का आप रेट हम पूछेंगे? मिसाल के तौर पर आपसे कोई बायर से पूछ के यहाँ पे गारंटी देंगे आप उसको कि एक नंबर चीज़ होगी, दो नंबर चीज़ होगी? नहीं, बिल्कुल वारंटी देते हैं ना, यूज़ चीज़ के भी हम 4-5 दिन वारंटी देते हैं। अच्छा, यूज़ चीज़ के भी 4-5 दिन वारंटी देते हैं जी? बिल्कुल। ठीक हो गया। इसमें सर एक चीज़ मैंने ये देखी, ये क्या चीज़ है ये वाली? ये भी 27 इंच है, 20,000। 27 इंच 20,000। इसमें अगर हम टीवी लगा लें तो टीवी भी लग सकता है? हर मॉडल में नहीं लगता है, हर वो जो 17-19 इंच में कार्ड लगता है, टीवी कार्ड, वो बिल्ट उसमें बिल्ट आप अंदर लगाते हैं। अच्छा, तो फिर उससे टीवी बन जाता है, उससे टीवी बन जाता है। अभी मैं आपको सीपीयू दिखाता हूँ जो सेकंड हैंड आते हैं कंटेनर में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें है सर जी कोर टू डू से, ये कोर टू डू है, ठीक है। और इसमें ये डेस्कटॉप है, इसमें इस तरह टावर के भी आते हैं, इसको हम टावर कहते हैं। अच्छा। और इसमें ये डेस्कटॉप, इसके रेट में मतलब डिफरेंस होता है, मतलब मिसाल के तौर पर ये 5,500 रुपये का है। अच्छा, इसमें सर क्या क्या चीज़ें लगती है आपके, लगी हुई हैं कि नहीं? लगी, तैयार आती हैं। अच्छा। इसमें ये हम सर्विस वगैरह करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं। अच्छा। ये 2.9 को टू डू है, 2 GB रैम है, 250 GB हार्ड डिस्क है, ये 5,500 रुपये की है। इसमें इसी तरह का टावर, अच्छा, ये फिर 6,500 रुपये का, 6,500 रुपये का। इसमें डिफरेंस ये टावर और डेस्कटॉप का है। अच्छा, ये बड़ा केसिंग होता है, मतलब इसमें 2-4 हार्ड डिस्क लगते हैं, टीवी कार्ड लग, 3D कार्ड लगते हैं। अच्छा, इस वजह से इसका रेट महंगा होता है। इसके अलावा इसके बाद फिर आई सीरीज में ये है, इसमें i3 सेकंड से शुरू है। अच्छा, मतलब ये सेकंड जनरेशन i3, ठीक है, 4 GB रैम, 320 GB हार्ड डिस्क, ये 8,500 रुपये के CPU है। ठीक है। इसमें फिर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन तक डेस्कटॉप में भी आती है। अच्छा। और ये वाले मॉडल टावर केसिंग में भी आती है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे, ये वाली, ये 6th generation i5 है। अच्छा, 6th generation। इसका क्या रेट है सर? ये फिर इसका मतलब मुख्तलिफ 25,000, 24,000, 27,000, जिस तरह प्लस माइनस होते हैं ना। अच्छा। स्पेसिफिकेशन उसी तरह का है, इसका रेट भी हो गया सर। हाँ जी। ये क्या चीज़ है सर HP का? ये i5 6th generation। i5 6th generation है, i3 6th generation है, ठीक है। हाँ जी। और ये भी वही चीज़ है? हाँ, इसमें मतलब 8,500 से 27,000 तक डेस्कटॉप में मिलता है। उसमें स्पेक्स पे डिपेंड करता है ना, किसी में हार्ड डिस्क ज़्यादा होती है, रैम ज़्यादा होती है, जनरेशन मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स तक आती है। ये क्या सही, बड़े खूबसूरत है सर ये मॉडल। ये भी आई सीरीज में, मतलब ये सेकंड जनरेशन i5 है। अच्छा, टावर में, टावर और डेस्कटॉप में, ये दोनों सेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टावर और डेस्कटॉप दोनों इस्तेमाल। इसका क्या रेट है सर? ये तकरीबन 12,000 का CPU है। 12,000 रुपये का CPU? हाँ जी। जिसमें आप कह रहे हैं हार्ड डिस्क वगैरह फिट है कि नहीं लगानी पड़ती है? नहीं, फिट आते हैं इसमें। अच्छा, लेकिन है। अगर आप कहें कि यार इसमें मुझे हार्ड डिस्क चेंज कर ले, बड़ा लगा दें, रैम बढ़ा दें, तो वो करते हैं। ये क्या चीज़ इधर भी देखते हैं? ये भी आई सीरीज में है, लेकिन लेटेस्ट मॉडल। वो डेस्कटॉप में थे ना, और ये टावर में। अच्छा, ये टावर में i3 3rd generation टावर, ठीक है। 8 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क, डेल कंपनी का है। डेल कंपनी का, ठीक है ना। इसका सर ये क्या रेट है? 14-15,000। हाँ, पंद्रह। सर इसमें ये भी बताएं कि कोई गुंजाइश है, आप गुंजाइश करेंगे अगर कोई ग्राहक लेने? ज़्यादातर तो हमारा होल सेल का रेट है ना। अच्छा। हमारा तो भी देते हैं आप, 30 साल से हम कर रहे हैं ना काम,
तो इसमें कस्टमर से हमारे ऐसा ताल्लुक बने हैं ना कि एक बंदा आते और जो ज्यादा खरीदते एक खरीदते एक ही रेट चला, एक ही रेट चलता है। चलिए ठीक है सर। अच्छा जी ये क्या चीज़ है सर? सर इसमें भी थर्ड जनरेशन मतलब ये i7 7th जनरेशन है। अच्छा ये 7th जनरेशन है। i7 7th जनरेशन ये ज़्यादातर लोग गेम्स के लिए ले जाते हैं। अच्छा ये गेम्स के लिए। इसमें केसिंग बोर्ड सप्लाई वगैरह गेम्स के लिए लगे होते हैं। अच्छा तो इसकी कीमत वो ब्रांडेड केसिंग से ज़्यादा होता है। अच्छा मतलब ये सीपीयू सिर्फ बग़ैर 3D कार्ड के 1,80,000 95,000 इसी तरह। ये सारे वही चीज़ें सर? नहीं ए पी आर कम है। अच्छा ये कम है, वो महंगे है, वो गेम्स के लिए हमने तैयार किए ना। ठीक है। और ये वाले सर? ये तो नॉर्मल सिस्टम है ना। अच्छा इसमें तो 22,000 i5 4th जनरेशन 8GB RAM 500GB हार्ड डिस्क 22,000। ठीक है इस तरह ये सारी वही चीज़ें जो आपने अभी हाँ हड्डों की मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ तो ये ब्रांड सारे सेम इस तरह। अच्छा, सारे सेम है। हाँ तकरीबन ठीक हो गया। जनरेशन है ना। ये क्या चीज़ है? ये भी हमारा ये वाले स्टॉक पड़े हैं ना। अच्छा स्टॉक पड़े LCD तो कुछ इधर भी हमने देख रहे हैं, उधर से आपने देखी है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसमें फिर ये जो बड़े LED है ये। अच्छा 4K ये 4K भी है। हाँ तो इसकी फिर प्राइस उस LCD से ज़्यादा होती है। अच्छा ये 4K वाले हैं। 4K 2K ठीक है। ठीक है ये ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए जो लोग ज़्यादा ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा इसकी रिजोल्यूशन बनिस्बत बहुत छोटी LCD के अच्छे होते हैं। इसके अच्छे होते हैं। हाँ जी इसके मैं आप यहाँ से ये जो अपनी कीमत लिखी हुई है सर इसके ऊपर। हाँ हाँ ये 32,000 रुपये। हाँ ये हमने होल सेल का इसका रेट लिखा हुआ है। और अगर नया ले तो इसका क्या प्राइस होता है सर? नए का तो खैर ज़्यादातर हमें पता नहीं होता है। अच्छा वो तो मुख्तलिफ रेट होते हैं और वो क्वालिटी भी उसकी इससे अच्छी नहीं होती। इसकी क्वालिटी बनिस्बत न्यू बहुत अच्छी होती है। 4K 2K 2K 4K ये इसमें आती है गेम्स के लिए। ग्राफिक्स सपोर्ट इसका ज़्यादा होता है। ये भी यही चीज़ है ना। सर आपने का माल तो आपके पास माशाल्लाह वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा है। जी जी तो किस किस का रेट पूछेंगे वो तो आपसे ग्राहक आएगा यहाँ से आपसे पूछ लेगा इंशाल्लाह। आखिर में एक दफ़ा फिर अपना मोबाइल नंबर इस शॉप का और प्रॉपर एड्रेस बता दें सर। कास्मो कंप्यूटर वर्क्स यूनिवर्सिटी रोड पेशावर। पेशावर ठीक है। हाँ। सर मोबाइल नंबर या दुकान का नंबर ऐसा हो गया इसके ऊपर हम 5850881 5850891। सर एक और बात बताएं, अगर कोई बंदा दूसरे शहर में बैठा हुआ है आपसे मंगवाना चाहता है तो आप उसको ऑनलाइन भेज सकते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन भी हमारा है। अच्छा ऑनलाइन भी आपका है। ऑनलाइन भी आप उनको भेज सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो आपसे रابطہ करें तो आप उनको बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मेहरबानी सर आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी साथियों आपने इज़्ज़त खान साहब की बातें सुनी, उन्होंने रेट भी बताए, इस जगह का प्रॉपर एड्रेस भी दिया और मोबाइल नंबर भी, मोबाइल नंबर तो नहीं उन्हें PTCL नंबर दिया वो जो स्क्रीन के ऊपर है, आप इनसे रابطہ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, किसी शहर में भी हों आप मंगवा सकते हैं। CP हो CPU हो या LCD 4K 2K ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल हैं। काफ़ी बड़ा गोदाम है पेशावर में, सबसे बड़ा गोदाम है ये। इनके पास कंटेनर का माल है और सारा अमेरिकन है और वो सेकंड हैंड। CPU भी दिखा दिए, उनके रेट भी पूछ लिए और LCD का रेट भी बता दिया आपको। अगर आपका CPU ख़राब है, मॉनिटर ख़राब है, आप यहाँ पे इनके पास अपनी ज़ाती वर्कशॉप भी है, यहाँ पे ठीक करके भी देते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास। वैरायटी को मैं आपको दिखा दूँ, एक से एक बढ़कर CPU और LCD। एड्रेस और मोबाइल नंबर तो उन्होंने दे दिया आपको, रब्ता कर सकते हैं आप इनसे। वर्कशॉप भी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगे
इसको शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।